कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, सही भी है। अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती रहती है जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि प्यार वाकई में ही अंधा होता है। कोई हादसा या घटना घटित हो जाने के बाद ही हमें एहसास होता है कि सचमुच प्यार अंधा होता है। ऐसा ही एक मामला गोवर्धन के एक गांव से हमारे सामने आया है, जहां प्रेमिका के आग लगाकर आत्महत्या करने की सूचना मिलते ही युवक ने भी खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली। परिवार वालों ने किसी तरह आग बुझाकर युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने किशोरी का शव चिता से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। थाना गोवर्धन के एक गांव की 14 साल की किशोरी ने घर में शाम को करीब 4:30 बजे आंगन में उस वक्त आग लगा ली जब घर में कोई नहीं था। धुआं उठता देख पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों ने किशोरी को बचाना चाहा, पर उसकी मौत हो चुकी थी। यह खबर घर से 100 मीटर की दूरी पर रहने वाले मुकेश को लगी तो उसने भी घर की रसोई के पास मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली। परिजन दौड़े और आनंद फानन में युवक को स्वर्ण जयंती अस्पताल ले गए। यहां युवक की हालत चिंताजनक बनी हुई है, युवक 50% जल चुका है। उधर किशोरी के शव का अंतिम संस्कार परिजनों ने शुरू कर दिया था, लेकिन सूचना पर पहुंची गोवर्धन पुलिस ने जलती चिता से किशोरी का शव निकालकर कब्जे में ले लिया। सीओ गोवर्धन वरुण कुमार ने बताया कि मामला प्रेम प्रसंग का प्रतीत हो रहा है। प्रेमिका के आग लगाकर आत्महत्या की खबर पर युवक ने भी आग लगा ली। युवक की हालत चिंताजनक बनी हुई है, पुलिस पूरी जानकारी जुटा रही है। कुंजरा गांव में ये घटना घट गई, इसके बारे में क्या जानकारी मिली आपको? थाना गोवर्धन क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुंजेरा की घटना है, जिसमें करीब 14-15 वर्ष की एक लड़की और करीब 21-22 वर्ष का एक लड़का द्वारा स्वयं को उन दोनों लोगों ने मिट्टी का तेल ऊपर डाल करके आग लगाने की घटना सामने आई है। सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और जो लड़का है वो उसके परिजनों ने उसको जिला अस्पताल मथुरा के लिए लेके गए हैं उसे और इलाज के लिए, लेकिन लड़की है उसकी मौके पे ही मृत्यु हो गई है। तो हम लोग तत्काल मौके पे पहुंचे और लड़की के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम हेतु हम लोग जिला अस्पताल मथुरा के लिए लेके जा रहे हैं। सर, नाम लड़की और लड़के का क्या है? लड़की का नाम रिंकी है और लड़के का नाम मुकेश है, दोनों इसी गांव के कुंजेरा गांव के ही रहने वाले हैं। सर, देखा गया है कि जो है आग लगी हुई थी लड़की में, उसको भी उस चिता में से निकाला गया है? जब लड़की की मृत्यु हो गई थी तो उसके आसपास के पड़ोसियों ने तत्काल लड़की के पिता को सूचना करी और उन लोगों ने उसके दाह संस्कार की व्यवस्था करना आरंभ कर दिया था, लेकिन जैसे ही सूचना पुलिस को पहुंची है, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और हम लोगों ने शव को कब्जे में लेकर के जो भी आवश्यक विधि कार्रवाई है उसके लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर, परिजनों का क्या कहना है इस मामले में? परिजनों का तो अभी परिजन कुछ स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रहे हैं। माता और पिता दोनों ये बता रहे हैं कि वो सुबह यहाँ कहीं गौशाला पे काम करते हैं, तो वो सुबह के ही निकले हुए थे और गांव के लोगों ने उन्हें जब इस बात की सूचना दी तो वो मौके पे आए, लेकिन अभी कुछ ग्रामवासियों का ये कहना है कि लड़के और लड़की के बीच में आपस में कुछ JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।